कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती दीवारों से 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टूडेंट, दिस इज़ अ शॉर्ट मोटिवेशनल पोएम ऑफ हरिवंश राय बच्चन। इस पोएम को आपको सुनाने का मेरा पर्पस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर कोई एडुकेशनल लेक्चर नहीं है। आज मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, एज मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स नोज दैट टुडे इज़ माय बर्थडे। स्टूडेंट्स, आज मुझे बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, ग्रीटिंग्स आए। उन सब में से एक बहुत स्पेशल था जो पप्पू ने किया था। पप्पू एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनली वीक है, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, वो डरता है, पढ़ने से डरता है, एग्ज़ाम से डरता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से डरता है। मैं अपनी ये वीडियो पप्पू को डेडिकेटेड करना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद पप्पू सो दैट पप्पू कैन ईजीली रीच टू हिज गोल और उसको पढ़ने में कुछ हेल्प मिले। स्टूडेंट, दिस वीडियो लेक्चर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन क्लास, इन स्कूल एंड इन कॉलेजेस। स्टूडेंट, यू नोटिस द नाउ अ डेज दैट देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपके सामने कई सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। सम आर ड्रग अब्यूज लाइक एल्कोहल, सिगरेट, टबैको, गुटखा, एंड सम आर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑरकुट। देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस विच यू हैव डील ईच एंड एवरी डे। रोज़ आप उनसे डील कर रहे हो और आप उनको यूज़ भी कर रहे हो। स्टूडेंट, मैं आपको बोलूँगा, यूज़ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ओवर यूज़ इज़ द प्रॉब्लम। उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना कि आपकी डेली लाइफ जो है उससे अफेक्टेड हो जाए, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थॉट दैट अगर हम स्टूडेंट्स के डेली शेड्यूल में कुछ चेंजेस करें, अगर हम स्टूडेंट्स का टाइम मैनेजमेंट करें, अगर हम स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए उसको कुछ योगा और कुछ टिप्स दें, जो कि आजकल सोशल मीडिया में आम है, आपको देखने मिलते ही हैं, हर कई किसी ना किसी वीडियो में आप देख सकते हो। संदीप महेश्वरी की भी काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें आप ऐसे टिप्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, और वो सोचते हैं कि हम इनके फेसबुक एक्टिविटीज़ को, इनकी सोशल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करें, मैनिपुलेट करें, इनका टाइम मैनेजमेंट करें। क्या ये इन सब बातों का सोल्यूशन है जिससे उन स्टूडेंट्स की पढ़ने में जो इंटरेस्ट है उसको बून मिलेगा, उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए और ज़्यादा डेवलप होगा? स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट द रियल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये रियल सोल्यूशन नहीं है। द मेन सोल्यूशन इज़ दैट द इंटरनल इंटरेस्ट, जो अंदर से इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, इज़ वेरी मच लैक इन दिस स्टूडेंट। उनके अंदर वो इंटरनल इंटरेस्ट स्टडीज़ को लेकर है ही नहीं। आई टोल्ड यू दैट कि उस इंटरेस्ट को अपने अंदर ग्रो करने का रीज़न क्या है? स्टूडेंट, द मेन थिंग इज़ दैट अ कॉज, कोई कारण। अगर आपके पास पढ़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, वेदर यू आर इन सम इंडस्ट्रीज, वेदर यू आर रनिंग सम बिजनेस, वेदर यू आर रनिंग सम सॉर्ट ऑफ एकेडमी, देर आर डिफरेंट थिंग। आप किसी भी फील्ड में हो,
आपके पास एक कॉज होना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो और वो काम किसके लिए कर रहे हो। अगर आप वो काम ग्रो करने के लिए कर रहे हो, वेदर आपके पास कोई भी एक इंटरेस्ट, आपके पास एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई करोगे। अगर आपके पास कोई सॉलिड इंटरेस्ट है, देन ओनली यू आर एबल टू गिव योर 100% इन योर स्टडीज, तभी आप अपना 100% स्टडीज़ में दे सकते हो। स्टूडेंट्स, उस इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए, उस कॉज को ढूंढने के लिए, ये उस पप्पू को खुद सोचना होगा कि उसे किस लिए पढ़ना है। उसे अपने सपनों के लिए पढ़ना है, वेदर उसे अपने मदर फादर, उसे अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, वेदर उसे अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है, या उसे अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए पढ़ना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, अपनी फैमिलीज़ के लिए पढ़ना है। स्टूडेंट, देर आर लॉट ऑफ कॉज, उसको एक सॉलिड कॉज ढूंढना पड़ेगा, एक सॉलिड गोल ढूंढना पड़ेगा जिसके साइड वो डायरेक्टेड हो, जिसके लिए वो मेहनत करे, तभी पप्पू अपना इंटरेस्ट स्टडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगा। स्टूडेंट, ये दो टॉपिक, डिस्ट्रैक्शन और फोकस और कंसंट्रेशन, जिसमें कि आपको अपना कॉज ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल के बच्चों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट, आई एंड दिस वीडियो विद अ सिंपल थिंग दैट सेट अ गोल एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू टू अचीव दिस गोल। स्टूडेंट, एक गोल सेट करो और उस गोल को सेट करके आप जो भी अचीव करना चाहते हो उस गोल से रिलेटेड, उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा पोटेंशियल लगा दो। बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू लाइक माई वीडियो। दिस इज़ अ शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज़। अच्छे से मेहनत करो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ, जितना पढ़ सकते हो घर पे उतना पढ़ाई पर ध्यान दो, स्टडीज़ पर ध्यान दो, सोशल मीडिया से कोशिश करो दूर रहने की, अपने इंटरेस्ट को ग्रो करो। एंड माई ब्लेसिंग्स ऑन माई बर्थडे विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ trying to study hard and want to achieve a goal. Best of luck.